ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में रुक कर लेते हैं देवरिया की ओर। देवरिया जनपद के खुरुंदू थाना क्षेत्र के खुरुंदू कस्बे में दो पक्षों में विवादित जमीन को लेकर हुई मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। वहीं पीड़ित नरसिंह पटेल ने बताया कि हम अपने जमीन पर मकान बनवाकर 10 साल पहले से किराए पर श्रवण बरनवाल को दिया था, लेकिन 3 साल से उनके द्वारा भाड़ा देने से इनकार किया गया। वह कहने लगे कि हमारी जमीन है, जिसके बाद से कोर्ट में मुकदमा किया गया। खुरुंदू थाना अध्यक्ष के निर्देश पर श्रवण बरनवाल की दुकान में ताला लगवा दिया गया था। आज श्रवण बरनवाल व उनके भाई गजेंद्र और सत्येंद्र के द्वारा जोर जबरदस्ती से दुकान खोली जा रही थी। उस वक्त नरसिंह पटेल की मां, बड़ी मां और उनकी भाभियों के द्वारा मना किया गया, जिस पर श्रवण बरनवाल, उनके भाई गजेंद्र बरनवाल, सत्येंद्र बरनवाल, राजेश बरनवाल, रोहित बरनवाल, राहुल बरनवाल आदि लोगों ने मिलकर उर्मिला देवी, कृष्णावती, सुगंधी, शीला, फूलमती, इन सभी महिलाओं पर लाठी, डंडे व लोहे के सरिये से पीटना शुरू कर दिया और पुलिस मौके पर मुख्य दर्शक बने रही। इस विवाद का वीडियो किसी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया, जिसके बाद से विवाद करने वाले लोग फरार हो गए। उसके बाद से घर वालों ने इन महिलाओं की स्थिति गंभीर देखकर इन्हें जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। विवाद समाप्त होने के सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण थाने पर पहुंचकर थाने का घेराव किया और पीड़ित परिवार वाले थाने पर लिखित सूचना देकर उचित कार्यवाही करने की मांग करने लगे। सर, मामला ये है कि उस पर 3 साल पहले से जैसे केस चल रहा था, तो देवरिया से, सलेमपुर से और खुकुंदू थाने से मिला के उसे बंद कराया था। बंद होने के बाद परसों जैसे एसओ साहब ने आए, 4 दिन हुआ अभी आए हुए, तो उन्होंने गया तो 19 तारीख को, वो 2 दिन पहले उसमें जाके सोना चांदी वाले में ताला लगवा दिया। बोले कि ये दुकान शनिवार तक खुलेगा। वो दुकान किसकी है? मेरी है। वो रूम किराया पे दे रखा हूँ, 5 रूम है वहाँ मेरा, 5 रूम किराए पे दे रखा था। 3 साल से कोई भाड़ा नहीं मिला मुझे, और 3 रूम का 10 साल से ही नहीं मिल रहा है। इसी के बाद में हमने उनसे पूछा कि आप भाड़ा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो ये जब मैंने 10 साल बाद पूछा तो इन्होंने कहा कि तुम्हारा है ही नहीं है। तब मैंने केस दर्ज किया। केस चलना शुरू हुआ, 3 साल हो गया था, और 4 दिन पहले एसओ साहब आए। उसके बाद वो बोले कि कोई रूम नहीं खुलेगा, कोई दुकान नहीं खुलेगा, दुकान शनिवार तक बंद रहेगी। तो हमने इस पे अमल किया, हमने ध्यान दिया कि चलो भाई, प्रशासन कह रहा है तो इसके बातों को अमल करें। हम लोगों ने अमल किया और ये आज जाके जबरदस्ती एसओ साहब के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि एसओ साहब ने ही कहा है दुकान खोलने के लिए, और गुंडे से करके दुकान खोला, हमने दुकान खोलने दिया। उसके बाद ये फट्टा उट्ठा लगा बिछाने, मेज उज लगाने लगा। उसके बाद बोला कि अब देखते हैं कौन मादरचोद आता है रोकने के लिए, मैं चल रहा हूँ कब्जा करने के लिए। तो ऐसे ऐसे गाली उली देने लगा, और मेरे माँ को, मेरे बड़ी माँ को, मेरे दो भाभियों को, मेरी बहन को, एक मेरे भतीजे को बहुत बुरी तरह से मारे ये लोग। रड से, फट्ठे से, लोहे से, रम्मा से, जो चीज मिला उसी चीज से ये लोग मारे। इतने बेहतरीन मारे हैं कि आज हमारी मम्मी भर्ती हैं सरकारी अस्पताल में, और उसके अब कोई उम्मीद नहीं है। कोई कह रहा है कि मेरा कमर टूट गया है, कोई कह रहा है हाथ टूट गया है, कोई कह रहा है कुछ हो गया है, लेकिन वहाँ चल के आप वीडियो आपको मिलेगा, आप देख लीजिएगा, आपके सामने है।